आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस और शराब तस्करों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक 25,000 का इनामी शराब तस्कर राकेश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इसे पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि पकड़े गए बदमाश के दो अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पकड़े गए घायल बदमाश से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार, 35 पेटी अवैध शराब, एक देसी तमंचा और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। आला अधिकारियों की माने तो पुलिस गिरफ्त में आए घायल बदमाश राकेश पर मुजफ्फरनगर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। शराब तस्कर राकेश पर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में लगभग 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पकड़े गए शराब तस्कर राकेश के अन्य दो साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। पुलिस की माने तो शराब तस्कर राकेश पिछले काफी लंबे समय से अन्य राज्यों से शराब तस्करी का काम करता आ रहा था, जिसकी पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। ये सूचना मिली है कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक कुख्यात बदमाश, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम जनपद मुजफ्फरनगर से घोषित था, ये पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसका नाम राकेश घटायन बताया जा रहा है और इस पर करीब 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत है और ये एक शातिर बदमाश है, जिस पर ना सिर्फ मुजफ्फरनगर में बल्कि दूसरी स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब में मुकदमे पंजीकृत हैं और इस पर जनपद के उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपदों में भी अभियोग पंजीकृत हैं। इसके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और करीब 35 पेटी शराब बरामद हुई है। इसके पास से एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। सर, क्या इसके साथी थे जो फरार हुए हैं? ये इसके दो साथी थे जो इसके साथ गाड़ी में थे, वो फरार हो गए हैं। अभी इससे पूछताछ कर उनको भी पता किया जाएगा कौन थे, और साथ के साथ में पूरे जनपद भर में इसकी कॉम